हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में आलू भाजा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह के आलू भाजा को हम लोग दाल चावल के साथ खाते हैं। छोटे बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, इनका मॉइस्चर भी बाकी रहता है। आलू हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप अपने बच्चों को इस तरह के आलू बनाकर लंच बॉक्स में पराठे के साथ दीजिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने दो आलूओं को धोकर अच्छी तरह साफ करके इस तरह से पतला पतला काट लिया है और एक हरी मिर्च के चार टुकड़े कर लिए हैं। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को मैंने देखिए गर्म कर लिया है। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें सबसे पहले मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हरी मिर्च फ्राई होने के बाद ये इसमें आलू में डाल, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट का ऐड किया है। फ्लेम को मुझे मीडियम रखना है। इन आलूओं को 2 से 3 मिनट मैंने चलाकर इसका सारा पानी खुश्क कर दिया है। ये देखिए ऑयल दिखने लगा और ये सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल मैंने सिम कर दिया है। कवर करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए मुझे इसी तरह इसको पकने देना है। बीच में एक दो बार इसको चला देना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। 5 से 7 मिनट होने के बाद अभी मैं इसको देखती हूँ कि मेरे आलू गल गए हैं या नहीं। आलू देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।